बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए दलिए की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं कि आप हैरान रह जाएंगे। लोग घंटों लगे रहते हैं और उनसे दलिया नहीं बन पाता, और अगर बन भी जाए तो टेस्टी नहीं होता। कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आप उनको फॉलो करें तो आपका दलिया मशहूर हो जाएगा, कि आपसे बेहतर दलिया किसी को भी बनाना नहीं आता, और रेसिपी भी बहुत ही आसान। तो सबसे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमारे पास है दलिया। एक कप मैंने दलिये का लिया है, और यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि मैंने देखा है बहुत से लोग दलिये को चुन लेने के बगैर ही इसको पका लेते हैं, तो एक अहम स्टेप है, मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है। दलिये को जब भी यूज़ करें इसको इस तरह से चुन लिया करें, बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको निकालनी होती है। चलें जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट और इससे भी अहम स्टेप ये, एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे। इस बॉल में हम इस दलिये को ऐड कर देंगे, और मैं आपको बता दूं कि दलिया आप जितना मर्ज़ी अच्छे ब्रांड का ले लें, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट और बहुत ज़्यादा इसमें स्टार्च होता है। तो उसके लिए बहुत अहम बात ये कि आपने इसमें पानी को ऐड करना है, और अब आप देखिएगा कि इस पानी को कितना ज़्यादा डस्ट और दूसरी चीज़ें मिक्स हो जाएंगे इसमें। तो ये एक अहम बात है, इसको आपने कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। अब दलिया को लेके ये बात है कि दलिया बनाना बहुत मुश्किल है, एक घंटा लग जाता है, दलिया फिर भी नहीं बनता। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि 5 मिनट बस आपने खड़ा होना चूल्हे पे और आपका दलिया तैयार हो जाएगा। तो ये देखें पानी में कितना ज़्यादा मैल सी आ गई। अब इसको हम निकाल लेंगे पानी को, और दलिये को अच्छे से धो लेंगे। ये लीजिए, धुला हुआ दलिया तैयार है। आपने क्या करना है, इसके अंदर इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और पकाई के टाइम को कम करने के लिए इसके अंदर आपने यहीं पे मिल्क ऐड कर देना है। तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे। ये लीजिए, तकरीबन 2 कप मैंने मिल्क ऐड कर दिए। अब आपने इसको रात को रख देना है, और सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम आपने इसको पकाना है। चलें जी, इसको ऐसे मिक्स कर दें ताकि दूध जो है वो अच्छे से इसको लग जाए। अब ये दो काम करेगा, एक तो ये इसकी पकाई जल्द हो जाएगी, दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत ही क्रीमी होगा। सो इसको भी आप जहन में रखिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह हो चुकी है, और अब क्या करेंगे, एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, और इस कढ़ाई में इस दलिये को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे लोग पकाना शुरू होते हैं, घंटा घंटा, दो दो घंटे पता नहीं क्या करते हैं, और ऊपर खड़े रहते हैं। इस मुश्किल की वजह से लोग दलिया पकाना ही छोड़ देते हैं। मैं आपको आसान और सही तरीका बताऊंगा। चलें जी, यहाँ पे हम इसमें थोड़ा और दूध ऐड कर लेते हैं। 1 कप जो दलिया है ना, गंदुम का दलिया है ये, इसमें आपने 1 लीटर दूध कम से कम ज़रूर ऐड करना है। तो 1/2 लीटर तकरीबन पहले था, 1/2 लीटर इसमें मज़ीद हम ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया, ये कच्चा दूध था अभी तक। अब आपने क्या करना है, टाइम को बचाना है, एक दफ़ा इसको कर लेना है मिक्स। अब यहाँ पे फ्लेम को आपने फुल हाई कर देना है, और इसके ऊपर रख देना है ढक्कन। ढक्कन रखने की वजह से जस्ट 2 मिनट 1 मिनट के अंदर इसमें बहुत अच्छा बॉयल आ जाएगा। अब यहाँ पे अहम बात है जो मैं आपको बताने लगा था, टाइम बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसका एक ऐसा फ्लेम रख देना है कि जिसके ऊपर इसको बहुत इतना भी बॉयल ना आए कि ये बाहर आ जाए, और ना इतना कम हो कि ये पके ही ना। ठीक है, अब ये आपने अपने बर्नर, अपने चूल्हे के हिसाब से इसका जो फ्लेम है वो एडजस्ट कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा होगा। ये देखिए आप, अब यहाँ पे ये इतना फ्लेम है कि ना तो ये बॉयल होके बाहर को गिरेगा और ना ही ये पड़ा रहेगा, मतलब बहुत ही शानदार टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर आपने इसको रख के ना अपने काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसको देखने की, ये नीचे लगेगा भी नहीं। और उसके बाद आपने कोई तकरीबन 20 मिनट के बाद, ये देखें जी, ऑलमोस्ट दलिया हमारा जो है वो यहाँ पे तैयार है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने रात को दूध में भिगो के रखा था, और साथ ही साथ हमने बहुत अच्छे फ्लेम को मेंटेन किया। 5 से 6 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी कम यूज़ करता हूँ। इलायची 4 से 5 कूट के आपने ऐड करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब आपने तेज़ फ्लेम करके इसको थोड़ा सा पका लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कुछ लोग गाढ़ा दलिया पसंद करते हैं जैसे खीर होती है, और कुछ लोग इसको थोड़ा सा पतला यूज़ करते हैं। अगर आपने छोटे बच्चों को खिलाना है जैसे 1 साल से 2, 3, 4, 5 साल, तो दलिये को पतला रखें। अगर बड़ों ने खाना है तो आपकी मर्ज़ी है। बादाम यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे काट कर।
अब हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैंने दो तीन जो पॉइंट्स बताए, दलिया को चुनने के, दलिए को धोने के, दूध में भिगोने के और उसके बाद एक मखसूस टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए। ठीक हो गया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डालते हैं बॉल के अंदर और थोड़ी सी इसके ऊपर खूबसूरती के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या ज़ाफ़रान को इसके ऊपर लगा देते हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। चलिए जी, इसके ऊपर थोड़ी सी ज़ाफ़रान लगा देते हैं, ऑप्शनल है, और इसकी खूबसूरती देखें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं यदि उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा दिल से खूबसूरत सा कर दीजिए कमेंट और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। सारी को इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।